इंदौर से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है, जहां इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर के पास लोग पूजा अर्चना करने के लिए एकत्रित हुए थे, लेकिन उसी समय वहां पर दुर्घटना घटी और कुएं के पास जहां लोग पूजा अर्चना कर रहे थे वहां ज्यादा वजन पड़ने के कारण वो कुआं धस गया, जिसमें से काफी लोग गिर गए और 19 लोगों को बचा लिया गया है। उनमें से कुछ लोगों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। घटना स्थल पर आर्मी के लगभग 75 लोग आए हैं, साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं और फिलहाल बचाव कार्य जारी है। इंदौर कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के अनुसार हादसे में अब तक करीब 16 लोग घायल हैं और 35 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की जा चुकी है। आपको बता दें कि घटना की लगातार निगरानी की जा रही है। कुआं बेहद पुराना था और वो बहुत गहरा था, जिसके कारण बचाव कार्य में भी समय लग रहा है। एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर हादसे में घायल हुए पीड़ितों से मिलने अस्पताल भी पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ितों से उनका हालचाल जाना। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना पर ट्वीट करते हुए लिखा कि ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लगातार बचाव कार्य जारी है। एक व्यक्ति लापता है, उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। इनमें से अब तक दोषी पाया गया है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश में जितने बावड़ी और ऐसे कुएं बोरवेल हैं उनकी जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। इंदौर में एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज हुई है और घटना के बाद से लगातार मैं प्रशासन के संपर्क में था और बैठ के रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे बेहतर चले और हम कैसे लोगों को बचा पाएं, इस अभियान में पूरी सरकार, प्रशासन और कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता जुटे हुए थे। 19 लोगों को हम लोग निकाल पाए, लेकिन उनमें से भी एक बहुत सीरियस था जिसकी हालत खराब थी। 18 लोग सुरक्षित हैं, लेकिन ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 11 शव अब तक वहाँ से निकाले गए हैं। तमाम प्रयत्नों के बावजूद भी हम उनको बचा नहीं पाए। पुरानी बावड़ी थी और निजी बावड़ी थी, वो प्राइवेट कैंपस में ही कवर्ड किया गया था उसको, और उस पर ज़्यादा बोझ होने के कारण, ज़्यादा भीड़ होने के कारण वो धस गई। मैंने घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। जो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जिन्हें हम बचा नहीं पाए, उन सब परिवारों के साथ सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। हम जो हमारे भाई बहन नहीं रहे, उनके परिवारों को 5 लाख रुपए की राशि, राहत की राशि देंगे। जो घायल हैं उनको 50-50 हज़ार रुपया हम अलग से दे रहे हैं। संपूर्ण इलाज की व्यवस्था निशुल्क अलग से की जाएगी, और भी अगर उपाय करने की आवश्यकता होगी तो हम करेंगे। दुख की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। अगर आपके पास हो रहा है कुछ भी गलत या आपके पास है जनहित से जुड़ी खबर, तो आवाज उठाएं, वीडियो बनाएं, हम पहुंचाएंगे जिम्मेदारों तक आपकी आवाज। उठाएं अपना फोन, वीडियो बनाएं और हमें भेजें। हमारा नंबर है 8447819571। टीवी 100 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मंदिर दर्शन, बॉलीवुड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, फैक्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।